लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जिस तरीके से गर्मी का पारा चढ़ रहा है उस तरीके से राजनीतिक जो है सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज मेरी मौजूदगी है मऊ में और ये जो है घोसी लोकसभा क्षेत्र है। मेरे बाजू में श्वेता उर्फ सुरेंद्र, सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी, और इनको जो है समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष की, तो क्या कुछ इनका रोल रहेगा लोकसभा चुनाव में घोसी में और इस प्रदेश को लेके क्या इनकी भूमिका रहेगी? मैं इनसे बात करता हूँ, घोसी का माहौल क्या है अभी? देखिए, भाजपा का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, वो तो मेरे जजमान है, सबसे बड़ी बात है। तो अब तो वही नारा लगा रहे हैं रोड पे कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर तेरा खैर नहीं। ये मेरा नहीं बयान है, भाजपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ना। अभी ये अपने मने घोषित कर दिले बाके हमार लड़का अरविंद भौर लड़ता, वो नेशनल पार्टियाँ है ना, कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, जब क्या आप बताइए चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान के, क्या लिस्ट जारी किया है कि यही घोसी से लड़ेगा? मैं जानती हूँ राजनीति के बारे में कि कब पलटी मार जाएगा, बात समय अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं हुई है कि अभी ये मुन्ना दुबे हैं, जमाने के नेता हैं और जिला अध्यक्ष रहे हैं। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से मीडिया पूछ रही है, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी इस तरह का हाई कमान का कोई निर्देश नहीं है। तो बाबू ये पढ़ले नहीं के ये गढ़ही पोखरा में मछरी मर ले बा, जनेरा तुर ले बा, आलू कोड़ ले बा, हाँ बात समझ रहे हैं, आई अंताक्षरी पढ़ ले बा, टेम्पू चलावत रहला आ ले जाके सब्जी मंडी में बेच देते रहला, अब कुछ भी कहता टे ओके इतिहास मालूमे नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब इतने 20-22 विद्वानों को नाम भी गिनाई हूँ, तो हमारा यही माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से निवेदन है और माननीय अमित शाह जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि किसी तरह 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या इस तरह की कोई नेता शब्द बोला होगा, कोई भी विद्वान हो बताइए इस तरह अगर बोला हो तो बयान दीजिए ताकि जनता सुने। हाँ, आज तो ये उसी पत्तल में खा रहा है, बताइए अब कह रहा है कि वो पावर पाए हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ के बाद हमारे पावर बा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ हाँ, सुनिए शब्द सुनिए, का मुख्यमंत्री आदमी के दिन घोड़ा के दिन बराबर, तब ई बड़ा बा कि उप मुख्यमंत्री बड़ा हैं जो कौन है स्वामी केशव प्रसाद, अब तो जवाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देंगे। अब बताइए कह रहा है IG, DIG, DJP, DM, SP, कोतवाल, CO, चेहरा नजर, तो इसकी उतार दिए ना बुखार। मंच से जो है ये बोले थे कि पीला गमछा लगा के थाने में चले जाइए, अगर जो नहीं सुनवाती है तो फिर बताइए, एकदम पीला गमछा दे के SHO खड़ा हो जाएगा और आपकी 100% सुनवाई होगी। इनका एक जो है पदाधिकारी गया है और SHO उनके जो साथ किया है, अब सब लोग जानते हैं, वायरल हो रही है। हाँ तो बताइए, उतार दिया ना, तो जब भी पढ़ा रहता तो एक कांस्टेबल की गरिमा जानता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पुलिस वाले सब IS PCS गलत है, हम तो गलत रहता है तो नाम लेकर कहती हूँ, बात समझ रहे हैं, हम तुरंत कोर्ट चली जाती हूँ। देखिए बाबू, 1947 के बाद कोई भी पार्टियाँ बनी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या भाजपा हो, सपा हो, बसपा, अगर ये कोर्ट नहीं रहता ना, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो न्याय नहीं मिलता, ये मेरा दावा है। हाँ बिल्कुल, मेरी भी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी, तब मैं भूतपूर्व
स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और शिक्षा वही प्राप्त की हूँ। और 24 घंटा पहले देश आजाद बलिए से हुआ था और ये सूरज भी उगता है बलिए से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो ये ओम प्रकाश का लड़का जो यहाँ से सांसदी लड़ता है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप लोग जो है क्या करेंगे उसके साथ? देखिए, वो करने की बात नहीं है, बाणी सब कुछ कराता है, चरित्रहीन हो, गुंडा हो, बदमाश हो। इस बार किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? अभी कुछ दिन पहले हार के गए हैं। वो मेरे जजमान है, जब अभी भाजपा इतनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है तो भाजपा को सोचना नहीं चाहिए कि अभी विरोध हो रहा है। चलिए, अभी तो मैं विरोध नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा प्रत्याशी अभी आया नहीं है, बात समझ रहे हैं, कई लोग लाइन लिए हैं, तो क्या प्रत्याशियों पे पार्टियां विश्वास करेगी? अभी समाजवादी पार्टी से इसने भी जीत कर गया और 8 देखे होंगे, ये राज्यसभा की सांसदी का चुनाव हो रहा था तो ये पलटी मार गए। इन लोग पे दबाव था कि तुमको मंत्री बना देंगे, तुम्हारी जांच करा देंगे, तुम्हारे पे CBI बैठा देंगे, तो क्या बात करेंगे पार्टी वाले, कोई भी हो, तो इस तरह का सब लोग हैं। तो इसीलिए अभी देखा जा रहा है कौन किस तरह है, मगर अभी भाजपा ने घोषणा नहीं किया है। हम भी देखती हूँ अपना मोबाइल, वो तो अगर हमको दे देते हैं, हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, अगर इसको 2004 से जोड़ रही हूँ, अगर इसके खिलाफ अगर चुनाव लड़ाते हैं, अगर ये जीत जाएगा ओम प्रकाश राजभर, तो माँ कसम 1,26,500 की मोबाइल और 5,000 रुपया कुरकुरा खाने के लिए आपके चैनल से भेजवाऊँगी। इसका नाम एलियन रखी हूँ, आकर ले लीजिएगा। अभी नवरत्न का 5,000 रुपये वह बाकी है। अरे वो ना दे, पढ़ले लिखले अभी भी मांग रहा है कि चाचा पैसा ना देना। मांगेगा ना, मांगेगा, समाज में रहता है तो मांगेगा, बात समझ रहे हैं। वो अंताक्षरी नहीं पढ़ा है, इसको क्या जरूरी है वो 12 साल लड़के से डिस्कस करने का? डिस्कस करने आए हो तो हमसे बात करो, हम प्रधानमंत्री से लड़े हैं जो जिसमें तुमने 10 लाख रुपया ले लिया। कौन ले लिया? यही ओम प्रकाश राज से 10 लाख रुपया हमसे नहीं, बैठाने के लिए। अच्छा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे पप्पू MLC से ले लिया। अच्छा। हमको ज़्यादा तकलीफ है इसकी वाणी में, अगर ये पढ़ा रहता तो बताइए जिस पत्तल में रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहे थे, अपील करके कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस पत्तल में रहता है उसी पत्तल में छेद करता है। बस सपा में रहा तो वही किया, सपा में गया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भीख मांगने की टेक्निक दिला रहा था।